ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को मधुबन से करुणाबाई का शुभकामनाएं। मुझे बताया गया कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा जो शिक्षाएं हम सब बच्चों को दिया था, मेरा सौभाग्य में 60 to 69 9 साल तक बाबा के साथ रहे। मम्मा के साथ 5 साल तक रहे क्योंकि मम्मा ने पहले शरीर छोड़ा। तो बाबा ने लास्ट मुरली में 3 शब्द जो कहा, वो 50 साल के बाद भी हम बच्चों के कान में गूंज रहा है। बाबा ने कहा, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। उस समय पर सुने, परंतु उस पर आज भी विचार चलता है तो और गुह्य अति गुह्य उसका राज समझ में आता है। हम पहले दिन ज्ञान में आए तो पहला पाठ तो निराकारी था, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। आत्मा ज्योति स्वरूप है, निराकार है। ये ज्ञान प्राप्त हो गया तो शायद जो खुशी उस दिन मिला था, जो हमारे सारे विश्व का सभी विश्वविद्यालय इस बात को शिक्षा देने में अनभिज्ञ रहे, अर्थात ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो पहला पाठ हम सबको मिला कि हम शरीर नहीं है, हम निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। परंतु बाबा उसी समय पर कहते थे, बच्चे है तो ये पहला पाठ अलफ ए आ, परंतु अंत का भी यही लेसन है। अकेले आए अकेले जाना, निराकार आत्मा इस सृष्टि पर पाठ बजाने आए, पूरा हुआ तो एक चोला छोड़कर के, एक शरीर छोड़कर के दूसरा शरीर लेते रहे। अब समय ऐसा आ गया है, भले उस समय पर हमारी समझ में नहीं आता था कि बाबा कहते तो थे कि कलयुग का अंत है, इस विश्व परिवर्तन जो है वो विनाश से ही होगा, महाविनाश जिसको हम कहते थे, कोई कोई शास्त्रों में प्रलय कहते थे। इस प्रकार से इस सृष्टि का फिर से नव निर्माण होगा। तो उस समय पर हम लोग इतना नहीं समझ पाते थे, परंतु आज सारी दुनिया कह रहे हैं ये दुनिया तो रहने लायक नहीं है, भगवान अभी इस सृष्टि का पुनर्निर्माण करेगा, इस सृष्टि को पवित्र बनाएगा। तो वो समय आ गया है ऐसा हरेक समझते हैं। अर्थात अकेला कौन आया इस सृष्टि में मां के गर्भ में, तो निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा। तो ये पहला लेसन तो हम सबको पक्का हो गया है
अब हम सभी उस बात पर प्रैक्टिकली फील कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सारी दुनिया अभी फील कर रहे हैं। सबको एक ही पार्ट आता है जो हर रोज गिन के बताते हैं हर देश वाले कि आज इतने गए। कहां गए भाई? शरीर छोड़ के गए। कौन गए? आत्मा गए। तो आत्मा अकेले आए थे, अकेले जाना है। क्यों? क्योंकि शरीर घर से अस्पताल तक पहुंच गए तो अस्पताल तक भी कोई नहीं जा पा रहे हैं, शमशान तक जाना तो दूर रहा। तो इसीलिए जो पहला पाठ है, हम शरीर नहीं है, हम ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो ये हम सब ने पक्का की। और बाबा हर मुरली में, ऐसा कोई भी मुरली नहीं है जिसमें बाबा हमको ये नहीं समझाया हो कि बच्चे आत्मा अभिमानी भव, स्वमान में रहो, अंतर्मुखी भव। तो ये सब आत्मा के लिए, मैं आत्मा, आप भी आत्मा, हम सब का पिता परम आत्मा, हम सब निराकार है, हम सब निराकारी आत्माएं हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्माएं हैं। पक्का हो गया है। परंतु बाबा ने जब दूसरी शब्द बताया, निर्विकारी भव, क्या आत्मा विकारी है या शरीर विकारी है? आत्मा को निर्विकारी बनना है या शरीर को निर्विकारी बनना है? तो बनना तो आत्मा को है, क्योंकि आए आत्मा, जाना भी आत्मा है। पर इस सृष्टि पे जितनी भी नॉलेज है, ज्ञान है, वो ये नहीं कहते हैं कि आत्मा निर्विकारी बनना है। सभी कहेंगे रावण का 10 शीश या 5 विकार या 6 विकार, तो जो भी कुछ है वो शरीर के लिए कहते हैं। तो लोग समझते हैं कि शरीर की शुद्धि ही शुद्धि है, शरीर से आत्मा शुद्ध होता है, ऐसा भी मानते हैं कई लोग। परंतु आत्मा विकारी हो सकता है ये कोई भी नहीं मानता है। कहते हैं नहीं नहीं, आत्मा तो सदा पवित्र है, सदा शुद्ध है। तो मैं कहने वाला इस शरीर द्वारा आत्मा है, वो न जानने के कारण तो शरीर को ही दोषी मानते हैं अभी भी, कि दोष जो है वो शरीर है। पर ये भी मानते हैं कि आत्मा जब शरीर छोड़ के जाता है तो अपने साथ क्या लेके जाता है भाई? खाली हाथ जाते हैं कहते हैं, परंतु क्या लेके जाते हैं ये नहीं समझते हैं कि आत्मा अपने साथ एक गठरी ले जाता है, जिसको आजकल लोग DNA भी कुछ कहते हैं, वो भी आत्मा का रहता है। तो इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान में हम सब समझते हैं जो कर्म का फल है उसको संस्कार के रूप में आत्मा अपने साथ ले जाता है, जिसको हिसाब किताब भी कभी कभी कहते हैं। पता नहीं मेरा क्या हिसाब किताब है इस आत्मा के साथ। तो आत्मा अच्छे है, जिसको हम कहते हैं पुण्यात्मा, धर्मात्मा, महात्मा,
किसी शरीर के लिए नहीं कहा है, ये सब टाइटल आत्मा के लिए ही होता है। पतित आत्मा, दुष्ट आत्मा, ये भी आत्मा को ही कहा है। वाल्मीकि के लिए भी कहते हैं, वाल्मीकि एक महान संत बने। तो आज जो भी भगत है किसी भी मंदिर में जाते हैं, हे भगवान मैं पापी कामी, आप हमारे ऊपर दया करो, हमको पावन बनाओ, ये कहते हैं। तो अर्थात आत्मा ही अपना कर्म के अनुसार अपने साथ पाप और पुण्य को लेके जाता है। तो इसीलिए जो निर्विकारी जो शब्द है, ये शरीर का नहीं है। लोग समझते हैं शरीर खत्म हुआ तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए आत्मघात महापाप कहते हैं। तो लोग समझते हैं ना, बहुत परेशान हो गया किसी भी कारण से तो आत्महत्या कर लेते हैं, तो समझते हैं बस अपने आप को खत्म कर दो। कुछ खत्म नहीं हुआ, बल्कि और पाप बढ़ गया। क्योंकि पाप जो शरीर यहां पंच तत्वों में लीन होता है उसमें नहीं गया है, पुण्य और पाप दोनों आत्मा के साथ ही दूसरे जन्म के लिए वो अपना दिखाता है। कई बार तो साइंस ने अपना प्रैक्टिकली देखा है, कई बच्चे अपने पिछले जन्म का सब कुछ बताते हैं। तो ये कौन बताता है, किसको मालूम है? शरीर तो वही खत्म हो गया था, तो आत्मा के साथ है। तो हमारा जो भी कर्म का है वो अपने साथ रहता है। तो इसीलिए निर्विकारी जो जिनको हम कहते हैं मनुष्य देवता बनना है, तो माना आत्मा निर्विकारी बनना है, देवता स्वरूप बनना है। देवता को पूजते हैं क्योंकि उनमें विकार नहीं है। तो हम आत्माएं भी जो हमारे अंदर जो भी कुछ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उसका अंश भी है, तो हम निर्विकारी नहीं कह सकते। जब बुद्ध का अनुभव सुनते हैं तो कैसे बुद्ध को मृत्यु का दृश्य मिला, तो उनमें मन में हो गया इसको कि ये क्या चीज है, इससे कैसे हम मुक्त होवे। तो उसने इस प्रयास को करते करते वो बुद्ध बन गया। तो हम आत्माओं को भी कर्म का फल क्या करे क्या न करे, तो हम फिर से निर्विकारी बने, तभी तो मनुष्य देवता बन सकते हैं। निराकार के पाठ के साथ साथ निराकार के साथ क्या है, आत्मा का अपना गठरी क्या है। जैसे हर एक व्यक्ति अपने जीवन काल में सब कुछ लिखता है, मैंने कितना कमाया क्या क्या किया, तो इसी प्रकार आत्मा को भी अपने हिसाब किताब का ज्ञान होना जरूरी है, तभी तो वो निर्विकारी बन सकते हैं। तो इसलिए पहले दिन का पाठ जिसको पक्का हो गया कि भाई मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, तो फिर क्या करना है। तो आत्मा ओरिजिनली ईश्वर के साथ एक पवित्र आत्मा थे। ईश्वर के साथ कभी अपवित्र आत्मा नहीं हो सकता है। तो अब हम जानते हैं इस धरती पर हर आत्मा कोई न कोई प्रकार की विषय वासनाओं में है,
या स्वार्थता में है तो इसको हम निर्विकारी नहीं कहेंगे। तो इसीलिए बाबा ने दूसरा शब्द हम बच्चों को पक्का कराया तो वही बच्चे मेरे पास वापस आ सकते हैं जो पवित्र बने, निर्विकारी बने। तो इसको हम कहते हैं ज्ञान या राजयोग या कर्मयोग। ये हम इसीलिए ही करते हैं तो फिर से आत्मा अपना ओरिजिनल स्वरूप में आ सके। हमने बाबा को देखा, मम्मा को देखा, सचमुच जब मैंने देखा था तो वो स्वयं एक निर्विकारी आत्मा बन गए थे। बाबा जिनको भी देखते थे, उनसे मुलाकात करते तो पहला शब्द आओ बच्चे। तो बच्चे कोई शरीर के लिए नहीं कह रहे थे, वो आत्मा के लिए। तो आत्मा की बाबा को अनुभव है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, ईश्वर का संतान है। तो ये पाठ पढ़ना ही हमारा निर्विकारी बनने का एकमात्र साधन है। और किसी भी प्रकार से आत्मा निर्विकारी नहीं बन सकते हैं सिवाय आत्मानुभूति से, ईश्वरानुभूति से। सर्व आत्माओं को आत्मा स्वरूप में देखने की जो अभ्यास है, इसी से ही हम निर्विकारी बनते हैं। अब है निराहंकारी। मुझे बहुत आश्चर्य लगा बाबा ने जब निराहंकारी कहा। जब हम अपने आप को आत्मा समझाता तभी भी तो हमारे जो भी एजुकेशन हो, टाइटल्स हो, डिग्रीज हो, या शारीरिक अभिमान हो, गोरे काले कोई भी, ये सब खत्म हो गया था। मैं अकेले आया, अकेले जाना, खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना, ये भी ज्ञान प्राप्त हो गया था। फिर भी बाबा ने कहा नहीं, तीसरा जो है निरहंकारी, वो लास्ट पार्ट है। तो ऐसी क्या अहंकार ज्ञानी आत्माओं में भी रह जाता है? पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी रह जाता है जो उसके ऊपर भी अपने को ध्यान देना है। हमने देखा दुनिया में जो सबसे ज्यादा अहंकार जो होता है वो संपत्ति से होता है, कुल का होता है, पोस्ट एंड पोजीशन का होता है। जनशक्ति ज्यादा किसी के पास है, हमको ज्यादा वोट मिला है, वो भी अहंकार का कारण बन सकता है। तो इस दुनिया में हम अनेक प्रकार का अहंकार तो देख ही रहे हैं, परंतु जिनको मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हो, और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी 18 अध्याय पूरा पढ़ने के बाद, समझने के बाद भी बाबा हम बच्चों को ये कहे कि निरहंकारी बनना है, बाप समान बनना है, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी भी बनना है। तो निराकारी, निरहंकारी, इस बात को थोड़ा सा हम देखे, मेरा लौकिक का मुझे याद आया। मेरे भाई बहने कहते थे, भाई आपको जब तक देखेंगे नहीं, मम्मी और पापा शरीर नहीं छोड़ेंगे। तो इनको जो हम बच्चों के प्रति जो खुशी है
ये भी एक प्राप्ति है। तो मेरा बच्चा जैसे आजकल कहते हैं अमेरिका में है, इतना कमाता है, तो आप कहाँ है, ओल्ड हो एज होम में है। तो इसी तरह से भले माँ बाप भी हो, कोई भी हो, जो हमारे संबंधी जिसको हम कहते हैं, हम अपना कहते हैं, तो उनके लिए अपने ही लोग जो है वो अति प्यारे हैं। तो ये भी एक छोटा सा अहंकार है, ये भी मैंने देखा। दूसरा, भले हम ज्ञान से इस सृष्टि से अपने आप को अलग कर रहे हैं, फिर भी मेरा शरीर, मेरी विद्या, मेरा अनुभव, मेरा ज्ञान, या मैंने कुछ ऐसे कार्य किया है, तो मैं का जो है वो हमको अंत तक अपनी आइडेंटिटी एक अहंकार के रूप में, वो भले बहुत सूक्ष्म रूप में भी है, तो बाबा का मतलब ये शरीर मैं नहीं हूं, कुछ भी है ये, इस शरीर द्वारा हम कुछ भी किया हुआ होगा, पर जब छोड़ते हैं तो उस अभिमान से नहीं, जो हम ईश्वर के पास थे वही स्वमान, वही स्मृति, उस संपूर्णता की अनुभूति रहना, वो इस समय पर जरूरी है। क्योंकि हर एक आत्मा, चाहे छोटे चाहे बड़े, चाहे कहीं भी हो, उसके मन में पक्का कुछ ना कुछ इस जीवन की अहंकार का मैल छड़ा हुआ होता है। मैं हूं, मेरा है, ये अंत तक हमको सताता है। कहते हैं अंत मते से गते, अंत की जो स्मृति है सिवाय बाप के और कोई स्मृति नहीं रहनी है, वो कैसे हो, तो इसकी भी अभ्यास से ही होता है। कई बार डॉक्टर कहते हैं दम नहीं है, ये वापस जीने जैसा नहीं है, पर शरीर छोड़ नहीं रहे, क्योंकि उनको कोई ना कोई स्मृति है। तो इसीलिए तो हम इस बात का भी ध्यान देना जरूरी है। ये परीक्षा हमको जब फाइनली शरीर छोड़ के जाने के समय पर, तो ये सब आ सकते हैं। हंसते हंसते बाबा कहते थे, बैंक का भी याद आएगा बच्चे, किसी को देने का है वो भी याद आएगा, किसी से लेने का हुआ वो भी याद आ जाएगा, या किसी को न बता के अपने पास ही आपने कोई बात रखी है, तो जब तक आप जिसको वो कहना, तो तब तक भी कई बार वो शरीर नहीं छोड़ते। तो इसीलिए हम बच्चों को इस समय पर इस शरीर के साथ का भी जो अंतिम जो हमारे जो स्मृति है, उससे उपराम होना ही है। बहुत बड़ी शब्द है, बड़ी बहुत बड़े लेसन है, जितना हम करते हैं कम है, तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी मैं समझता हूं। ये समय पर बाबा ने ऐसा अच्छा समय हम बच्चों को दिया है, जो बाहर देखते हैं इतना नहीं लगता है कोई, पर जब हम अंदर देखते हैं तो हमसे ज्यादा तो बाहर वाले अच्छे हैं, ऐसा लगते हैं कभी कभी। तो इसीलिए हम बच्चों को इन तीन बातों पर फिर से निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी का
ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। ओम शांति।